फ्रेंड्स, एक ब्लूटूथ ऑन अप सर्किट है। तो देखिए, इस सर्किट से मैंने कोई भी आर्डिनो, कोई भी माइक्रोकंट्रोलर का यूज़ नहीं किया है। इसमें सिर्फ एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर मॉड्यूल लगा हुआ है, जिसका मार्केट प्राइस है 40 रुपये। देखिए, ब्लूटूथ मैंने ऑन किया, लाइट भी ऑन हो जाए ऑन हो गया। अगर मैं मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑफ करूँगा तो लाइट भी ऑफ हो जाएगा। इसे आप इमरजेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप बेड स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ब्लूटूथ मैंने फिर से ऑन किया तो लाइट भी फिर से ऑन हो जाएगा। अगर आप ब्लूटूथ को ऑफ करोगे तो ये भी लाइट भी ऑफ हो जाएगा। देखिए, मैंने 220 वोल्ट का एसी अप्लायंसेस को, आप इससे लाइट बल्ब फैन कुछ भी चला सकते हैं। देखिए, मैंने अगर ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो लाइट भी ऑन हो जाएगा, ब्लूटूथ ऑफ होगा तो लाइट भी ऑफ हो जाएगा। इस सर्किट के लिए हमें चाहिए BC547, एक NPN ट्रांजिस्टर, इसका पिन आउट है कलेक्टर बेस इमीटर। अब और हमें चाहिए 220 माइक्रोफैट का एक कैपेसिटर, इसका छोटा वाला लेग नेगेटिव, बड़ा वाला लेग पॉजिटिव है। अब हम इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव है उसको हम ट्रांजिस्टर के इमीटर के साथ सोल्डर कर देंगे, मतलब 3 नंबर पिन के साथ सोल्डर कर देंगे, और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है उसको हम बेस के पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए एक LDR। LDR का कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। LDR का दोनों जो पिन है उसको हम बेस पिन और इमीटर पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। इमीटर पिन के साथ सोल्डर कर दिया, अब हम बेस पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। अब एक्स्ट्रा जो लेग है कैपेसिटर का उसे हम कट कर देंगे। अब हमें चाहिए 100K रजिस्टर, इसे हम ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए 1K रजिस्टर, इसे हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। अब हम बेस पिन को मोड़ लेंगे और उसे हम 1K रजिस्टर के साथ सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए 100 ओम एक रजिस्टर, उसे हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ सोल्डर कर देंगे। अब हमें चाहिए BC557 एक PNP ट्रांजिस्टर, इसे हम उल्टा कर लेंगे और पहले ट्रांजिस्टर के इमीटर के साथ कलेक्टर पिन और 100 ओम रजिस्टर के साथ बेस पिन को सोल्डर कर लेंगे। अब देखिए, इस सर्किट को हमने बना लिया है तो इस सर्किट से हम 220 वोल्ट एसी बल्ब कंट्रोल कर सकता है, रिले कंट्रोल कर सकते हैं। रिले कंट्रोल, हम 5 वोल्ट का रिले मैंने यूज़ किया है इस एसी बल्ब को कंट्रोल करने के लिए। आप डीसी बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, सिंगल एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैंने इधर 557 ड्राइवर ट्रांजिस्टर की तरह यूज़ किया है। तो इस सर्किट का जो ये ट्रांजिस्टर है, इसका इससे हम ये वाला एलईडी और ये रिले कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अगर हाई पावर एलईडी हम जलाएंगे, मल्टीपल एलईडी जलाएंगे, एक से ज़्यादा एलईडी जलाएंगे, तो हम इस ट्रांजिस्टर से नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक हाई पावर ट्रांजिस्टर। तो मैं इधर BD140 PNP ट्रांजिस्टर का यूज़ हम कर सकते हैं। ये हाई पावर PNP ट्रांजिस्टर है, इस उसको यूज़ करके हम हाई पावर एलईडी जला सकते हैं। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा सभी तरह का एलईडी में कैसे कैसे हम जलाएंगे, तो वीडियो पूरा देखना तो आपको समझ आएगा। तो देखिए, तो इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम हाई पावर एलईडी जलाएंगे और इस PNP ट्रांजिस्टर को अब यूज़ करके हम सिंगल एलईडी को कैसे जलाते हैं देखेंगे। तो एलईडी का नेगेटिव को मैंने कनेक्ट कर दिया है, एलईडी का पॉजिटिव को ऑन के रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब पावर सप्लाई देंगे 100K रजिस्टर में पॉजिटिव सप्लाई, और कैपेसिटर का नेगेटिव में हम माइनस सप्लाई देंगे। अब हमें चाहिए एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर मॉड्यूल। देखिए फ्रेंड्स, तो इस जो मार्केट में बहुत टाइप का ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर मॉड्यूल है, तो इसमें से JL कंपनी का देखिए एक छोटा वाला IC बेस्ड एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर मॉड्यूल है। इस सर्किट को आप मत लेना, क्योंकि हम इस सर्किट में LED नहीं लगा सकते। अब उसी सर्किट को लेना जिसमें हम अच्छी तरीके से एक LED स्टेटस LED लगा सकते हैं, इस सर्किट में हम नहीं लगा सकते, तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। देखिए, AB कंपनी का एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर मॉड्यूल रहता है, पीछे गोल्ड लिखा हुआ है ब्लू कलर का, तो इसमें भी हम कोई भी LED नहीं लगा सकते, इसको भी यूज़ हम नहीं करेंगे। ये दो बोर्ड देखिए, ये दो बोर्ड JL कंपनी का है, दोनों बोर्ड देखने में सेम है,
लेकिन इन दोनों के पीछे हम देखेंगे अगर, तो देखिए एक में डीसी 5 वोल्ट, डीएम, डीपी, जेएनडी एक लाइन में है, लेकिन इस बोर्ड में नहीं है। डीएम देखिए इस बोर्ड में नहीं है, ठीक है, तो इस बोर्ड का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इस बोर्ड का यूज़ करना, इस बोर्ड में हम एक एलईडी को लगा सकते हैं। देखिए इस पॉइंट में एक रजिस्टर लगाएंगे और इस पॉइंट में हम एक एलईडी लगा सकते हैं, ठीक है, तो इस बोर्ड का हम यूज़ करेंगे और इस बोर्ड का हम यूज़ नहीं करेंगे। देखिए न्यूअर बोर्ड है, नया बोर्ड है, लेकिन इस बोर्ड में एलईडी का फंक्शन नहीं है, तो इस बोर्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते। इस बोर्ड को हम यूज़ करेंगे, इसका आईसी नंबर है AB22BP। पीछे देखिए डीसी 5 वोल्ट, डीएम, डीपी, जीएनडी एक लाइन में होगा। इस बोर्ड को आप ख़रीदना, अब आप इस बोर्ड को बेस में सेट कर लेंगे, एक 1N4007 डायोड लेंगे। इस डायोड को हम डीसी 5 वोल्ट उस पॉइंट में हम सोल्डर कर देंगे। इस डायोड को हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव में पॉजिटिव दोगे, पॉजिटिव में नेगेटिव दोगे, तो ये बोर्ड ख़राब नहीं होगा। अब हम एक जम्पर वायर लेंगे, जम्पर वायर को हम जीएनडी में सोल्डर कर लेंगे। इस सर्किट में 5 वोल्ट सप्लाई देना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पावर सप्लाई मत देना। अब हमें चाहिए एक एलईडी, एलईडी का एक पॉजिटिव लेग है अंदर में, देखिए जो पतला वाला लेग है वो पॉजिटिव होता है, और जो एलईडी का अंदर देखिए जो मोटा वाला पिन होता है वो है नेगेटिव। एलईडी का पॉजिटिव में हम मैं एक वाइट कलर का वायर सोल्डर करूँगा, और एलईडी के नेगेटिव में मैं एक ब्लैक कलर का वायर को मैं सोल्डर करूँगा। तो देखिए इस तरीके से सोल्डर ही हो गया है। अब मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल को लूँगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए जेल कंपनी का है, आईसी को सीधा पकड़ना, इधर एक नोच बना हुआ है, इसमें से पिन काउंटिंग शुरू होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पिन। 1 नंबर पिन में एलईडी का पॉजिटिव जाएगा, 5 नंबर पिन में एलईडी का नेगेटिव जाएगा। तो देखिए एलईडी का जो पॉजिटिव है मैं 1 नंबर पिन में सोल्डर कर दूंगा, और एलईडी का नेगेटिव को मैं 5 नंबर पिन में सोल्डर कर दूंगा। 3, 4, 5 नंबर पिन, देखिए अच्छे से ठीक से सोल्डर करना। तो हमारा सर्किट अब रेडी हो गया है। तो इस सर्किट को हम अब टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए आप मैक्सिमम 5 वोल्ट का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं इधर एक बैटरी यूज़ करूँगा, ये मैक्सिमम 4.2 वोल्ट देता है। तो देखिए पॉजिटिव को मैं डायोड में पॉजिटिव उधर पावर सप्लाई दूंगा, और जम्पर में मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा। तो देखिए कनेक्ट करने से ये एलईडी ब्लिंक करेगा, अगर एलईडी ब्लिंक किया तो ये सर्किट एकदम रेडी है। अब हमारा ब्लूटूथ सर्किट, ये है ब्लूटूथ सर्किट, ये है स्विचिंग सर्किट, दोनों सर्किट एकदम रेडी है। तो देखिए इस सर्किट को अगर मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकते हैं, इस सर्किट में हम 5 वोल्ट से ज़्यादा दे सकते हैं। तो देखिए लोड अगर हम 4 वोल्ट लगाएंगे तो 5 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है, लोड के हिसाब से पावर सप्लाई होगा। तो देखिए मैं अब दोनों सर्किट को 5 वोल्ट से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों सर्किट का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को दोनों सर्किट का पॉजिटिव को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों सर्किट एक ही 5 वोल्ट की सप्लाई से पावर ले लेगा। तो दोनों सर्किट का जो पॉजिटिव है मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक उसी तरीके से मैं दोनों सर्किट का जो नेगेटिव है, दोनों सर्किट का नेगेटिव को भी मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। देखिए आप सर्किट को अच्छा भी दिखने बना सकते हैं अगर दोनों सर्किट को पास पास ले आएंगे तो। अब मैं देखिए दोनों सर्किट का पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो गया है। अब हम इस एलईडी को एलडीआर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं इधर एक हीट सिंक का ट्यूब यूज़ करूँगा, आप इधर एक ब्लैक टेप यूज़ कर सकते हैं, फैन पेन का कवर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ख्याल रखना लाइट अंदर बाहर ना हो, बाहर का लाइट अंदर ना जाए, अंदर का लाइट बाहर ना आए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं इस एलईडी और इस एलडीआर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो ये सर्किट हमारा अब रेडी हो गया है। तो इस सर्किट में 5 वोल्ट हम सप्लाई यूज़ करेंगे। देखिए मैं इस पावर सप्लाई को 5 वोल्ट में सिलेक्ट कर दूंगा। 6 वोल्ट अगर देंगे तो ये ब्लूटूथ आईसी खराब हो जाएगा।
5 वोल्ट में मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब दोनों सर्किट का पॉजिटिव में मैं पॉजिटिव सप्लाई दूंगा, अब दोनों सर्किट का नेगेटिव में मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा। तो देखिए स्टेटस जो एलईडी है ब्लिंक करेगा। तो मैं ब्लूटूथ ऑन किया तो देखिए स्टेटस एलईडी ऑफ हो जाएगा और मेन एलईडी ऑन हो जाएगा, ये देखिए। अब मैं जब ब्लूटूथ को ऑफ करूँगा तो स्टेटस एलईडी फिर से जलने लगेगा और मेन एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्किट काम करता है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सर्किट काम करेगा। अब बनाना घर में तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप देखिए मैं इस एलईडी को हटाकर मैं इधर एक रिले कनेक्ट करूँगा, 220 वोल्ट का रिले मैं इधर कनेक्ट करूँगा। तो देखिए हट जा भाई, देखिए अब हम इधर 5 वोल्ट का रिले यूज़ करेंगे, ठीक है 5 वोल्ट का एक रिले यूज़ करेंगे। 6 वोल्ट का रिले आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए कॉमन पिन है ये, नॉर्मली क्लोज पिन दाएं तरफ रहता है और नॉर्मली ओपन पिन बाएं तरफ रहता है। मैं इधर एक डायोड यूज़ करूँगा ट्रांजिस्टर का प्रोटेक्शन के लिए। तो आप जानते हैं देखिए डायोड का जो सिल्वर तरफ सिल्वर बैंड है उसकी तरफ पॉजिटिव सप्लाई देना, इधर पॉजिटिव सप्लाई देना, ठीक है। रिले का स्टेटस जानने के लिए इधर मैं एक एलईडी और एक रजिस्टर यूज़ करूँगा। एलईडी का जो पॉजिटिव है उसमें मैंने एक 470 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया है। अब मैं इसे रिले की तरह कनेक्ट रिले के साथ कनेक्ट कर दूंगा। देखिए इधर पॉजिटिव है, सिल्वर बैंड की तरफ पॉजिटिव है, तो मैं रजिस्टर की तरफ भी पॉजिटिव है, एलईडी का पॉजिटिव रजिस्टर लगा हुआ है उधर, तो इसमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसा दिखाया गया है उस तरीके से आप कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए मैं अब इस रिले को मेन सर्किट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए इधर जिधर सिल्वर बैंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले मैं नेगेटिव को ट्रांजिस्टर का इमीटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है ना उसके साथ रिले का जो नेगेटिव है उसे हम कनेक्ट कर देंगे और एक जम्पर ऑयल लेंगे और रिले का पॉजिटिव के साथ हम ऑन के रजिस्टर मतलब सब पावर सप्लाई का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव है। तो ये सर्किट हमारा अब रिले ड्राइव कर सकता है। देखिए आप अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो आप 220 वोल्ट एसी का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए इसमें पावर सप्लाई पॉजिटिव में पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव में नेगेटिव पावर सप्लाई अगर देंगे तो सर्किट काम करेगा। तो देखिए अब मैं इधर एक बल्ब और प्लग का यूज़ करूँगा और एक तार को मैंने कट कर लिया है। तो देखिए एक वायर को मैंने कॉमन पिन के साथ कनेक्ट करूँगा स्विच की तरह, ठीक है, और एक तार को मैं नॉर्मली ओपन जो पिन है वो बाएं तरफ रहता है उधर मैं कनेक्ट करता हूँ। स्विच की तरह ये रिले का पिन के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये सर्किट एसी बल्ब फैन टीवी कुछ भी ऑन ऑफ कर सकता है इस रिले की मदद से। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो बच्चे हो तो इस सर्किट को मत बनाओ, अब डीसी पार्ट को बनाओ, एसी पार्ट को मत बनाओ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ब्लूटूथ को ऑन करूँगा तो ये एसी बल्ब ऑन ऑफ होगा इस रिले की मदद से, ठीक है। इसके बाद मैं डीसी एलईडी को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, हाई पावर एलईडी, आप उसको बनाना स्कूल प्रोजेक्ट में, आप इस सर्किट को मत बनाना। देखिए जिसका एक्सपीरियंस है जो जिसका नॉलेज है इस फील्ड में वो एसी सर्किट को हैंडल कर सकता है, वही इस सर्किट को बनाना, ठीक है। तो देखिए इस सर्किट ऐसे काम करता है। मैं अब डीसी हाई पावर एलईडी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम उसे हम दिखेंगे। रिले पार्ट को मैंने हटा दिया है। अब देखिए अब हम लेंगे, देखिए इस तरीके का जो कॉब एलईडी होता है, इस तरह का जो मल्टीपल एलईडी होता है, तो इसमें बहुत सारा एलईडी होता है, तो
इसको ड्राइव करने के लिए BD140 PNP ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। यह हाई पावर ट्रांजिस्टर है, 1.5 एम्पीयर तक की करंट इसे हैंडल कर सकता है। तो हमारा BC557 ट्रांजिस्टर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पहले पावर सप्लाई को हटा दिया। अब मैं इस LED को ड्राइव करके हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले में PNP ट्रांजिस्टर को, जो BC557 PNP ट्रांजिस्टर था, उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब हम इस सर्किट को यूज़ करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को। तो इमीटर कलेक्टर बेस पिन आउट होता है, तो बेस को मैंने पहले की तरह 100 ओम के साथ कनेक्ट करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप समझ रहे हो, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बेस को मैंने 100 ओम के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट आप करोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। तो कलेक्टर पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है ट्रांजिस्टर का इमीटर को। अब देखिए, इमीटर पिन खुला हुआ है, इमीटर पिन है, इमीटर पिन। और इमीटर पिन में जो LED का, देखिए अच्छे से, थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर है, LED का नेगेटिव कनेक्ट करना, ठीक है। देखिए, मैंने घुमा दिया है ट्रांजिस्टर का इमीटर में, आप LED का नेगेटिव कनेक्ट करना, ये याद रखना। और ट्रांजिस्टर का जो LED का जो पॉजिटिव है, LED का पॉजिटिव सप्लाई का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। देखिए, ये तो सप्लाई का पॉजिटिव है, तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट आप DC हाई पावर LED को ऑन ऑफ कर सकता है। ये सर्किट अब पूरा रेडी हो गया है। इसमें 5 वोल्ट सप्लाई देना, और इस जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर में बहुत हीट होता है, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर में आप हीट सिंक का यूज़ करना, हीट सिंक का यूज़ ज़रूर करना। 5 वोल्ट के सप्लाई में भी ये ट्रांजिस्टर हीट होता है, ठीक है। देखिए, मैंने 5 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। आप 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो पहले की तरह आप ब्लूटूथ अगर आप ऑन करोगे तो हाई पावर LED ऑन हो जाएगा। कॉब LED है, 3.7 वोल्ट का कॉब LED है, ये ऑन हो जाएगा। आप इस सर्किट में 4 वोल्ट का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, 4 वोल्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं। देखिए, तो इस ट्रांजिस्टर थोड़ा सा हीट हो रहा है, आप इसमें हीट सिंक का यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।